अभी 1 बज रहा है दोपहर का और अभी अभी मैंने हमारा का लंच कंप्लीट करवाया है और हमारा लंच भी रेडी है। हमारा लंच में है चिकन बिरयानी। आज मैंने घर में कोई भी खाना नहीं बनाया क्योंकि आज मेरा बर्थडे है तो सुप्रिया ने मुझे छुट्टी दिया था। तो आज सुबह सुबह आज वॉशिंग मशीन खराब हो गया था, वॉशिंग मशीन में कोई भी काम नहीं हो रहा था। सुबह सुबह इतने सारे कपड़े जो है वो धोए हैं और बाहर टांग दिया है, सूख रहे हैं बाहर कपड़े। और अभी हमारा का लंच हो गया, हमारा अंदर खेल रही है और अभी हम लंच करेंगे। उसके बाद दीपिका और सोनाली आने वाली है, फिर हम लोग केक कटिंग करेंगे। तो चलो पहले जल्दी से लंच कर लेते हैं। और हाँ, सोनाली आज पार्टी नहीं लेंगी, इसीलिए हमने उन लोगों के लिए लंच का तैयारी नहीं किया है क्योंकि वो लोग अभी नॉनवेज नहीं खा रही है। दीपिका तो खा लेगी लेकिन सोनाली नहीं खा रही है, इस वजह से नॉनवेज का कोई भी इशू है, इसीलिए हमने ऑर्डर नहीं किया है। तो उन्होंने कहा है कि राखी के बाद वो लोग पार्टी लेंगे, तो चलो राखी के बाद उन लोगों के साथ पार्टी मनाएंगे बर्थडे का। फिलहाल लंच हम कर लेते हैं क्योंकि लंच ठंडा हो रहा है। तो हमने ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी। कहाँ से ऑर्डर किया है? कोलकाता बिरयानी हाउस। कोलकाता बिरयानी हाउस से ऑर्डर किया है और जिसके साथ हमें एक ग्रेवी मिला है और रायता था ऑप्शन में, हमने रायता ही दिया था लेकिन पता नहीं क्यों ग्रेवी दिया है। चिकन का एक बड़ा सा लेग पीस है और एक पोटैटो है जो कि हम बंगाली लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट है बिरयानी, हमें पोटैटो चाहिए। और ये है 1 boiled egg। और लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा सुप्रियो, ये कोलकाता में ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, बहुत ज्यादा। यहाँ क्वांटिटी थोड़ा कम है। प्लेट कितना करके लिया यहाँ पर? 230 करके लिया है। अच्छा। सब चार्ज मिला के 550 का होगा। तो 230 करके ईच प्लेट है, लेकिन और ये ग्रेवी अलग से है और 230 करके ईच प्लेट है और टोटल दोनों प्लेट का 550 पड़ा है। टेस्ट अच्छा है। ये जो टैक्सेस और डिलीवरी चार्जेस बहुत ज्यादा है। ऑन तो है, ऐसे में वीडियो बनाती हूँ ना उसके बाद पता चलता है कि वीडियो ऑन नहीं था, क्योंकि हाँ ऑन तो किया था। जैसे हमारा का जब हमारा को लेकर जिस दिन मैं घर आई थी, ठीक है, फिर
फिर मैंने उसको कही थी कि आप नीचे से ना मैं जब आऊंगी तब तुम वीडियो बनाओ। वो तो वीडियो करते करते आए बिल्कुल, मैं आपके साथ हो गया पूरा वीडियो किया उसने। मैंने कहा अब तक देखने का टाइम मेरे नहीं मिला, एक डेढ़ सप्ताह बाद मैं देख रही हूँ। इसने मुझे बताया भी नहीं, उसके बाद उसने चेक किया था कि वीडियो दिया। अरे ये वीडियो कहाँ गए जब मैं सीरियल से लेकर आ रही थी, क्योंकि वीडियो तो किया था पर नहीं है, मैंने देखा था लेकिन तुम डाटो की इसने बताया नहीं। अरे तब तो 7 दिन हो गए। रेड वेलवेट हम लोगों को शौक था ना कि हम लोग अपने एनिवर्सरी में रेड वेलवेट लाएंगे। वाह बहुत बढ़िया, वो केक भी निकाल लिया। ऐसे तो आया आपको कुछ भरोसा नहीं है। तो शायद मेरी जन्मदिन में ऐसे पहले बार हो रहा है कि दो दो केक कटिंग हो रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे ना दूसरों के ब्लॉग में देखा था कि 2-3 केक कटिंग होता है, लेकिन मेरे ब्लॉग में शायद पहली बार हो रहा है कि 2-2 केक सलाए। थैंक यू सो मच, वेलकम। तो ये वाला केक सुप्रियो लाए है सुबह, और ये वाला केक हमने नहीं काटा था, हमने सोचा था कि दीपिका और सोनाली आएगी उसके बाद केक कटिंग होगा। तो इन दोनों ने भी यहाँ पर एक केक लाई है बहुत अच्छा सा रेड वेलवेट, और यहाँ पे बहुत सारे कैंडल लगा दिए हैं क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है। और मेरे हस्बैंड बस 3 ही लगाए क्योंकि मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं बहुत छोटी उम्र की हूँ। और साथ में ये फ्लावर्स भी लाए हैं, बहुत क्यूट सा प्यारी सा। दीदी ये भी दिखाऊंगी मैं ये, और ये तो पता है ये मैं जहाँ भी जाती हूँ ये मेरे साथ साथ चलती है। ये कितने साल पहले दिया था दीपिका तुमने? 17 में हम लोग जा चुके थे, तो ये 16 में दिया होगा, 16 या 15 में दिया है। तो ये मेमोरी है हमारा, हम लोग पहले घूमने गए थे अनचार्टेड। पूजा को भी हमने रखा है अपने साथ में हमेशा, तो पूजा भी मेरी ब्लॉग देखती है। हाँ नीतू से बात होती है बेचारी अमायरा, उसको बहुत शौक था, शौक मतलब उसको पसंद है। क्या Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे कुछ नहीं है ये, क्या कह रही हो? Happy birthday, happy birthday, happy birthday. ये कुछ क्या कर रही है? स्पार्क का क्रैकर्स है। जल्दी करो जल्दी, देखो केक पर नहीं पहुंच रही है वो ना। चलो टाटा।
अमायरा को फीड करवाया और यहाँ पे आके बैठी हूँ। तब अमायरा बीच में ही उठ गई थी जब हम केक कटिंग कर चुके थे, उसके बाद अमायरा उठ गई थी। और तब दीपिका सोनाली भी थी, बहुत कोशिश की उसको गोदी में लेने की, लेकिन ये जा ही नहीं रही थी उन लोगों के पास। फिर ना ये लोग जा रहे थे, तब ये अपने खुद से बाय 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 कर रही थी, मतलब जाओ तुम लोग, कैसा बच्चा है सोचो। तो वो लोग बहुत हंस रही थी, फिर वो लोग चले गए और तभी हमारा बहुत ज्यादा रोने लग गई। तो मैं हमारा को घर में लाके थोड़ा सा फीड करवाई। अभी देखो वो खेल रही है अपने पापा के साथ। तो ऐसा ही करती रहती है, जब भी कोई आ जाती है ना, कभी भी वो रोने लग जाती है। तो आज का दिन बहुत अच्छा बीता और सभी लोगों ने फोन किया, सभी लोगों ने विश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा जब भी मेरे बर्थडे आता है तब मेरे फैमिली मेम्बर सभी को बहुत याद रहता है, क्योंकि ये दिन ही ऐसा है कि कोई भूल नहीं पाते। तो सुबह से बहुत लोगों का फ़ोन आया, सबको तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत सारे लोगों ने मुझे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में मैसेज किया है, उन सभी को बहुत 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 शुक्रिया। जो लोग मुझे मुझसे मिले नहीं है, ऐसे लोगों का भी फ़ोन आते हैं। जैसे तन्मय काकू ने फ़ोन किया था बड़ोदरा से, वो मेरे सिर्फ फेसबुक फ्रेंड थे, तो अब काकू मतलब बिल्कुल खुद का अंकल जैसा बन चुके हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया था, बहुत अच्छा लगा। और चलो मम्मी पापा भाई की बात तो अलग है, वो तो करते ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कॉल आया तो बहुत अच्छा लगा। बर्थडे का दिन मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, सभी लोग फ़ोन करते रहते हैं इसीलिए। तो चलो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, कुछ स्टार्ट जैसा लग रहा है। तो शुप्रिया कह रहे थे बाहर जाने के लिए, तो शायद नहीं जा पाऊंगी, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर शाम होगा तो देखेंगे क्या करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज बने रहिए मेरे चैनल में। अगर कोई नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, चलिए देखते हैं अगले ब्लॉग में क्या होता है। तो शाम को हम लोग कहीं नहीं गए थे, हाँ आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान सा लग रहा था। दिन भर यहाँ पे काम ही इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो बस गप्पे ही करते गए। मेरी और शुप्रियो के लिए भी, खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम दोनों बहुत दिन से बातें नहीं किए, तो बहुत सारे बातें कर रहे थे, तो इसीलिए कहीं नहीं गए। तो मैंने सोचा रात हो गया है, अभी ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अगर आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। और फिलहाल मुझे अमायरा डिस्टर्ब करिए, ये देखो अमायरा बाय बोलो, बाय बोलो अमायरा, बाय बाय फ्रेंड, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में।